नहीं साहब, एक तो ये पेट्रियाट अखबार ने दो तीन इस इशू को उठाया, इसके ऊपर खबरें लगाई, रिपोर्ट्स दी, आपने भी कॉलम लिखा, आज पीएम साहब ने इसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी। इसके दो पहलू हैं, मैं दोनों के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इंडियन कंटेंट नहीं चलना चाहिए, वेल एंड गुड, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपको भी मुबारक हो, आपके दायरे ने इस इशू को उठाया, लेकिन साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। न्यूज़ कैटेगरी लाइसेंस के बगैर काम करने वाले न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की गई है, और सोशल मीडिया के ऊपर जाली खबरों को भी कंट्रोल करने की बात की गई है, तो ये बात कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? दोनों इश्यूज के ऊपर जरा बात करें। देखो, इसमें जो मैंने जो हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर आपके चैनल पे चल रही थी, आप ही पेट्रियाट में लिखते रहे हैं, मैंने भी स्टोरीज छापी, निशानदेही भी की मसाइल की, लेकिन इसमें एक्चुअली आप मुझे मरवा ना देना, कल मेरा टीवी चैनल ही बंद ना हो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लिखने से तो रहते नहीं है ना, आप ही डेली पेट्रियाट में लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, अब वो नाम ऐसा है कि उसमें मोहब्बे वतन और मोहब्बे वतनी का जज्बा पैदा होता है, जिस वजह से हम मजबूर होते हैं कि लिखते हैं। इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने नोटिस लिया इस पे, लेकिन इस नोटिस पे का प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा अमल की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ वेब चैनल हैं जो कि चल रहे हैं, इनलीगल चल रहे हैं, उस पर पीटीए का काम है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल है वो पैमरा का काम है। अब पैमरा का प्रॉब्लम ये है कि मेरे तो दोस्त है सलीम साहब, बड़ा पुराना हमारे पीआईओ रहे और बड़ा रेस्पेक्टेबल आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पैमरा का कि पैमरा को बार बार जब निशानदेही करते हैं वो मेरे साथ लड़ाई कर लेते हैं इंडियन चैनल की और इंडियन प्रोग्राम की, और खासकर जो सोनी मैक्स चैनल है उनका, क्योंकि इंडिया जो है मेरे चैनल से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और मैं बाद औकात इस शक में पड़ जाता हूँ और इस प्रॉब्लम में पड़ जाता हूँ कि कहीं इंडियन लॉबी मेरे चैनल को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही, और बाद औकात बाद जगहों पर मेरा चैनल बंद करा दिया जाता है। तो वो एक्चुअली हमें तो चैनल और किसी चीज़ की नहीं परवाह, हमें अपने मुल्क की परवाह है। और बकाया जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, न्यूज चैनल कुछ हैं जो कि न्यूज, ये कौन से हैं, ये खबर बड़ी मेरे लिए ये बड़ी ताज्जुब खेज खबर है, वो भी लम्हा फिक्री है कि हमें ऐसा काम क्यों करें जिस कैटेगरी का लाइसेंस है। अगर आपके पास 12 बोर बंदूक का लाइसेंस है तो आप क्लाशन कोफ तो नहीं उठा सकते ना। नहीं सर, मेरी मेरा मेरा हमें क्लाशन कोफ नहीं उठानी चाहिए ना। अगर क्लाशन कोफ का लाइसेंस है तो फिर वो उठाएं, अगर 12 बोर गन का लाइसेंस है तो 12 बोर ही उठाएं ना। लेकिन क्या वाकई है? हेलो, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्प खबर है कि न्यूज कैटेगरी लाइसेंस के बगैर न्यूज चैनल चल रहे हैं, तो ये कौन कौन इसकी जद में आ सकता है? वैसे यार मेरे कुलीग हैं, सारे भाई हैं, मुझे क्या पता है कौन कौन के। अगर कोई चल रहा है तो बड़ी ज्यादती की बात है, चल रहा है अगर वैसे, कोई चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई चल रहा है तो बड़ी ज्यादती की बात है। और पैमरा चाहे तो वो कैसे चल सकता है? आसिफ साहब, आसिफ साहब आप चस्के लेते हैं प्रोग्राम में, पैमरा चाहे तो कोई चल सकता है कोई न्यू लाइसेंस के बगैर? अगर ऐसा ना हो जाए तो मैं क्लाशन, मेरे पास 12 बोर बंदूक का लाइसेंस है, मैं क्लाशन कोफ उठा सकता हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडियन कंटेंट तो उसी तरह चलता रहे और कुछ न्यूज चैनल्स की शामत आ जाए। नहीं, न्यूज चैनल क्यों चल रहे हैं? वो पहले जो चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो? और इन्होंने चलने क्यों दिए? असल सवाल तो फिर ये है ना, ये हैरान कौन बात है। प्रॉब्लम ये है कि ये भी एक इशू है कि आप पिस्टल का लाइसेंस पिस्टल का गले में डालने की बजाय आप क्लाशन को उठा लेते हैं। यानी इमरान खान साहब ने ठीक फैसला किया है? इमरान खान साहब ने ठीक फैसला लिया है, ये सारा ए टू जी फैसला ठीक है? खान साहब बहुत नेक आदमी है और वो काम करना चाहते हैं, काम उनकी कोशिश है। अभी तो मीडिया का उनके पास तो बहुत हीरा आदमी है, जनरल आसिम उनके साथ हैं बाजवा, वो बड़ा इन चीजों को समझते हैं क्योंकि वो शुरू से DGISPR भी रहे और इन मामलात को समझते हैं। अभी तो उनको एडवाइस भी मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से अच्छी एडवाइस होती होगी। और पैमरा चेयरमैन भी शायद न चाहता हो, लेकिन ये एक रविश चली आ रही है कि लाइसेंस हो किसी और चीज का है और चला कुछ और रहे हैं, क्योंकि कानून की बालादस्ती है नहीं, लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो हो जाते हैं, हम खुश हैं, लेकिन खान साहब इमरान खान साहब को भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। खान साहब इमरान खान साहब को भी दो साल के बाद पता चल रहा है। आप ला भी आपने किए बैन में दिन में सुख में, हमें हर कीमत पे ये जो है ना ये लॉजिक मंतिक के साथ ये फाइनलाइज करना होगा कि लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम करना जरूरी है और हमें इस्लामी जो हमें हमारा ज़ाब्ता अखलाक है जो आज असेंबली में भी डिस्कस हुआ हमारे चैनल का सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया उस पर हमें चलना होगा। अगर नहीं चलेंगे हम पस्ती की तरफ जाएंगे। अगर ये बार बार मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, तय में तिर में सुख में हम हर हाल में हमें ज़ाब्ता इख़लाक पर अमल करना होगा। मेरा अगर टीवी चैनल न्यूज है तो मुझे न्यूज चलानी चाहिए, नहीं है तो बंद करना चाहिए। मैं सटे के लिए नहीं जाऊँगा, मैं किसी कोर्ट से सटे नहीं लूंगा। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं आपके साथ सटे नहीं लूंगा, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। एज ए पाकिस्तानी, एज ए देखो जिंदगी का कितना पता है, कितनी मोहलक बीमारी आई, कितने लोगों की जान ले गई। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मुल्क के लिए कुछ कर जाना चाहिए और उम्मीद है कि मुल्क के लिए उम्मीद है कि इमरान खान साहब भी बहुत अच्छी बात की और उम्मीद है कि इमरान खान साहब की पार्टी भी वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर नुसरत वाहिद साहब मजीद स्टे नहीं लेगी। जैसे इमरान खान की पार्टी के जो मामलात है ना, बात ये आसिफ साहब इमरान खान की पार्टी के जो, मैं तो इमरान खान की पार्टी को लोगों को वो समझते ही नहीं हूँ कि वो दिल से मामलात को समझते हैं। वो तो उनके, अगर उनकी पार्टी के लोग अच्छे होते तो ये काम जो आज किया है, ये मैं और आप रोजाना दीपैटी आर्ट में लिख ही रहे थे ना, ये पहले हो जाता। और आज भी अल्लाह करे उन्होंने आर्डर किए हैं, कहा है तो इस पर अमल हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू।